के भोजपुरी के टॉप एक्टर अक्षय सिंह किसी पहचान की मोहताज नहीं, उन्होंने करोड़ों लोगों का दिल जीता है। इसी की बदौलत वो आज भोजपुरी फिल्मों पर राज कर रहे हैं। उनकी फैन फॉलोइंग भी कम नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिंगर से एक्टर बनने की उनकी कहानी? क्या आप जानते हैं कि अक्षय सिंह को एक जौहरी की तरह उस एक्टर ने पहचाना और दिया इंडस्ट्री में आने का न्योता, जिन्हें आज पवन सिंह अपना बड़ा भाई कहते हैं और होते हैं उनसे इंस्पायर। तो कौन है ये शख्स जो है इन दोनों के बीच की कड़ी, वो बताने से पहले आपको सुनाते हैं अक्षय सिंह के सफर की दास्तान। अक्षय सिंह का जन्म 30 अगस्त 1993 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। हालांकि वो पटना में नहीं बल्कि मुंबई में रहती है। अक्षय के पिता का नाम विपिन सिंह है और माँ का नाम नीलिमा सिंह है। अक्षय को शुरू के दिनों में एक्टिंग नहीं बल्कि डांस करने का बहुत ज्यादा शौक था। एक इंटरव्यू में अक्षय ने खुलासा किया था कि माता पिता के फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े होने की वजह से घर पर हमेशा से ही फिल्मी जगत के लोगों का आना जाना होता था। बावजूद इसके फिल्मों में एक्टिंग करने को लेकर उन्होंने कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। वो शुरू से ही एक डांसर बनना चाहती थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। तभी तो उनके घर आना हुआ उस शख्स का जिनका सक्सेस का डंका भोजपुरी से लेकर बॉलीवुड तक में शान से बजता है। हम बात कर रहे हैं भोजपुरी मेगा स्टार रवि किशन की, जिनका जिक्र करते हुए एक्ट्रेस ने बताया, किसी फिल्म के सिलसिले में एक दिन मेगा स्टार रवि किशन अक्षय सिंह के घर उनके पिता से मिलने पहुंचे। उसी वक्त उन्होंने अक्षय को देखा और उनसे अपनी फिल्म सत्यमेव जयते में बतौर एक्ट्रेस काम करने की बात कही। इतने बड़े स्टार के मुंह से सुनकर ये बातें एक्ट्रेस फूले नहीं समाई और मौका मिलते ही उन्होंने मेगा स्टार की पूरी बात सुनने के बाद हाँ कर दी और यहीं से शुरू हुई उनके फिल्मी करियर की कहानी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई, जिसके बाद अक्षय सिंह के पास फिल्मों की कतारें लग गई। इस फिल्म के बाद अक्षय ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज वो भोजपुरी फिल्मों की स्टार एक्टर के तौर पर जानी जाती है। उन्होंने इंडस्ट्री के सभी स्टार्स के साथ काम किया है, चाहे वो पावर स्टार पवन सिंह हो, सुपरस्टार खेसारी लाल यादव हो, जुबली स्टार दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ हो, या फिर खुद मेगा स्टार रवि किशन। मतलब अक्षय सिंह के अंदर एक्टिंग का हुनर जगाने वाले कोई और नहीं बल्कि मेगा स्टार रवि किशन ही वो शख्स है। हालांकि वो अलग बात है कि पवन सिंह और अक्षय सिंह के करीबी होने के बावजूद भी रवि किशन इन दोनों के बीच की दूरियां नहीं भर पाए। हर आज भले ही पवन और अक्षय एक साथ स्क्रीन शेयर ना करते हो, लेकिन रवि किशन के साथ आज भी दोनों की वैसे ही बॉन्डिंग है जैसी शुरुआत से थी। तो आपका क्या कहना इस खुलासे पर और इस किस्से पर? शेयर कीजिएगा अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में। पूर्वांचल और भोजपुरी जगत की ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स और पल पल की खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पूर्वांचल लाइव को।